राजस्थान में पंचायती राज के बचे हुए 12 जिलों में होने वाले चुनाव का रण सजा हुआ है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, रविवार को दूसरे चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मगर यहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी वर्चस्व की जंग मानी जा रही है। कांग्रेस ने अब की बार विधायकों पर इन चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर चुनाव प्रचार तक में विधायकों की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक और कांग्रेस समर्थित 2 निर्दलीय विधायकों की इस चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव के नतीजों पर ही तय होगा। बीते साल दिसंबर में हुए 21 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया था। 21 जिलों में 4,051 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणाम में कांग्रेस ने 1,718 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं भाजपा ने 1,836 सीटें जीतकर मिथक तोड़ दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा होता है। कांग्रेस पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ही चुनावों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। नतीजा माना गया कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह कहीं फिर से कांग्रेस के अरमानों पर पानी ना फेर दे। कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री, पार्टी के 8 विधायक और गहलोत सरकार के समर्थित 2 निर्दलीय विधायकों की इस चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के जिन मंत्री विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें उद्योग व राजकीय उपक्रम विभाग के मंत्री परसादी लाल मीणा दोसा के लालसोट से विधायक है। उनके क्षेत्र की 2 पंचायत समितियों में लालसोट और रामगढ़ पचवारा में मतदान है। 8 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधायकों में सबसे पहले दांव पर है कभी सचिन पायलट के समर्थक रहे पूर्व मंत्री विष्णेन्द्र सिंह, उनके क्षेत्र की डिग पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान होना है। भरतपुर के नगर से कांग्रेस विधायक वाजिब अली के क्षेत्र की नगर पंचायत समिति क्षेत्र भरतपुर के कामा से कांग्रेस विधायक जहीदा खान के क्षेत्र की कामा और पहाड़ी पंचायत दोसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा के क्षेत्र में लवाण और नांगल राजवतान पंचायत समिति, जयपुर के चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के क्षेत्र में माधोराजपुरा और फागी पंचायत समिति, जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीणा कंवर के क्षेत्र में शेरगढ़ सेखाला चामू बालेसर पंचायत समितियां, जोधपुर के लोहावट से कांग्रेस विधायक किसना राम विश्नोई के क्षेत्र में लोहावट देचू बापिनी और आऊ पंचायत समिति क्षेत्र, सवाई माधोपुर के बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के क्षेत्र में बोली पंचायत समिति। कांग्रेस समर्थित जिन 2 विधायकों की साख भी चुनाव में दांव पर लगी है, उनमें दूदू और मोजमाबाद पंचायत समिति निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के दूदू विधानसभा क्षेत्र में आती है, जबकि सिरोही पंचायत समिति निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के विधानसभा क्षेत्र सिरोही में आती है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय और अन्य दलों की ओर से भी प्रत्याशी चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के चुनाव में 25 लाख से ज्यादा मतदान वोट डाले जा सकेंगे। करीब 10,500 ईवीएम से ये चुनाव कराए जा रहे हैं। इसमें 35,000 से ज्यादा कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।